हे फ्रेंड्स, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से एक बार आपके लिए ऑनलाइन ट्यूटरिंग की अपॉर्चुनिटी, जो कि आपको घर बैठ के यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आई है वो स्टार बोर्ड की तरफ से आई। अगर हम स्टार बोर्ड के बारे में बात करेंगे तो एक ऑनलाइन ई टीचिंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग में यहाँ पे हेल्प करता है। ओके, वी आर लुकिंग फॉर कमिटेड ऑनलाइन ट्यूटर्स टू ज्वाइन अवर एक्सपीरियंस टीम। यानी कि अभी ऑनलाइन ट्यूटर की जो भी हायरिंग हुई यहाँ पे अभी हो रही है। टू बी सक्सेसफुल एज एन ऑनलाइन ट्यूटर यू शुड बी कमिटेड टू फैसिलिटेटिंग लर्निंग इन सेफ एंड। ओके, ठीक है। मतलब है, कुछ उन्होंने दिया इन्फॉर्मेशन की ट्यूटर अगर आप है तो आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो अगर हम एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, यानी कि ऑनलाइन ट्यूटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल काम क्या करना है, प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग लेसन्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स रीडिंग राइटिंग एंड कन्वर्जन स्किल। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको मेन सब्जेक्ट सिखाना है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश से बिलोंग करते हो, इंग्लिश के ऊपर आपकी प्रोफिशिएंसी है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको सबसे पहले रीडिंग राइटिंग एंड कन्वर्जन स्किल है स्टूडेंट्स के, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आपका भी ये जो स्किल है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देन डेवलपिंग एजुकेशनल कॉन्टेंट सच एज नोट्स एंड क्विजेस, नोट्स, क्विज, असाइनमेंट, सब कुछ आपको यहाँ पे एज ए टीचर के नाते आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देन टेलरिंग योर टीचिंग स्टाइल इन अकॉर्डेंस विद स्टूडेंट्स नीड। मतलब जैसे स्टूडेंट्स को नीड है, स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे ऑनलाइन उनको स्टूडेंट्स को मैनेज करना है। ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, या दोस्तों आपको स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस क्या है आपको यहाँ पे जान लेनी पड़ेगी वाया देयर फीडबैक्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मिनिमम बैचलर डिग्री इन एजुकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश। ओके, मतलब आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, और कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब इंग्लिश के अलावा कोई भी अलग डिग्री, यानी कि आपके ग्रेजुएशन इंग्लिश के अलावा, सपोज इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का जो भी नॉलेज आए, तो ग्रामर हो या फिर वोकैबुलरी हो या फिर रीडिंग राइटिंग, जो भी आपके पास, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, फ्लुएंट उसमें आपको रहना चाहिए, ठीक है। प्रायर एक्सपीरियंस एज एन इंग्लिश टीचर, अगर आप कोई आपके पास एक प्रायर टीचर है एज इंग्लिश टीचर का, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रेशर तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस और जो आपको सैलरी वगैरह मिलने वाली है बहुत ही कम मिलेगी, ठीक है, अगर आप फ्रेशर है तो अप्लाई कर रहे तो। ओके, देन आउटस्टैंडिंग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, ओन लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर इक्विप्ड विद एन एचडी वेबकैम। जहां दोस्तों यहाँ पे आपको वन ऑन वन ऑनलाइन लेसन डिलीवर करने होंगे, इसके लिए आपके पास एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए, उसको एक अच्छी खासी एचडी क्लैरिटी के साथ एक वेबकैम जरूर होना चाहिए कि आपका चेहरा, जो आपका जो फेस है, वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिखना चाहिए। देन एक्सेलेंट कंप्यूटर स्किल, फास्ट एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन आर अट्रैक्टिव टू द स्टूडेंट्स नीड। जो भी है स्टूडेंट्स को अच्छा लगना चाहिए, ऐसा आपको वहां पे काम करना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जॉब टाइप करें तो फ्रीलांस, यानी कि जब आपको टाइम मिलता है तब आप यहाँ पे लॉग इन करके स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सैलरी की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने दिया है मिनिमम सैलरी आपको 200 एंड मैक्सिमम सैलरी आपको यहाँ पे 700 पर आवर के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी कि मैक्सिमम अगर आप एक बहुत ही अच्छा सिखाते तो आपको यहाँ पे 700 पर आवर की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहां पे जाके सब कुछ डिटेल पढ़ के आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किए। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगती है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही दमदार कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहना।